press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दुकानदार दंपति पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, बकाया रकम को लेकर किया हमला। पुलिस और गो तस्करों में हुई फायरिंग, गाड़ी के नीचे आकर एक शातिर ने गंवाई जान। बेरोजगारों ने वसुंधरा का रोका काफिला, पुलिस प्रशासन में मची खलबली। और श्रीदेवी के निधन में शोक में डूबा बॉलीवुड, दुबई में पड़ा दिल का दौरा, दिग्गजों ने जताई संवेदना। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के शांत माने जाने वाले अलवर शहर में भी अब यूपी और बिहार की तर्ज पर दिन दहाड़े वारदातें सामने आने लगी हैं। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे खुलेआम फायरिंग से भी बाज नहीं आते। अलवर के विवेकानंद नगर सेक्टर 3 में दो बाइकों पर सवार होकर आए 5 बदमाशों ने परचून की दुकान करने वाले दंपति पर फायरिंग कर दी। इसके चलते दुकानदार जय सिंह बावरिया के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। इस दौरान जय सिंह की पत्नी सुमन ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला किया और एक बदमाश को पकड़ लिया। वहीं इन बदमाशों ने महिला के मुंह पर देशी कट्टे से वार कर घायल कर दिया। इसके बाद सभी बदमाश फरार हो गए। उधर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अरावली विहार थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घायल दुकानदार ने बताया कि सुनील नामक शख्स पर उसके 150 रुपए बकाया थे। जब उसने रकम मांगी तो सुनील ने उसे फोन पर धमकाया था। इसके बाद हमले की यह घटना सामने आई है। उधर थाना अधिकारी शीशरा मीणा का दावा है कि सट्टे की बकाया राशि पर विवाद हुआ है और मामले की जाँच की जा रही है। अभी आधा घंटे पहले थाने पे किसी अज्ञात महिला ने मुझे ही फोन किया था कि विवेकानंद नगर सेक्टर नंबर 3 में गोली चली है और एक आदमी घायल हुआ है। मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचा, वहां जाके मालूमात किया तो पता चला जय सिंह बावरिया है, जिसके घर के पास ही कुछ अज्ञात लड़के आए जो इसके जांग में गोली देके चले गए। अभी इसका इलाज चल रहा है और इसने अभी नाम नहीं बताया है। मौके पर एक मोटरसाइकिल मिली है जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मुलजिमान की हम तलाश कर रहे हैं। सर, कुछ उधारी के पैसे हैं? प्रथम दृष्टया ये बात मौके पे सामने आई है दबी हुई जबान से कि ये दोनों पक्ष ही जो हैं आईपीएल सट्टे वट्टे का कोई मैच पे लगाते हैं सट्टे, और उसी बात को लेके इनके कहा सुनी हुई है पैसे की बात को लेके और ये घटनाक्रम हुआ है। और अभी हम इसका मेडिकल करवा रहे हैं और FIR दर्ज करके मुलजिमान की तलाश करेंगे। तो 5 लोग आए, एक स्कूटर था एक बाइक थी, तो अचानक से बोले मैं दुकान पे गई, मेरे को देख के बोले कि भाई साहब को भेजना। मैं बोली कौन को? जय सिंह बोल। मैं बोली क्या बात है? मैं बोली इनको बुलाया मैंने, इनको मैं भाई कोई बोल रहे हैं आप? बोले इनको अंदर ही भेजते। तो बड़ी मुश्किल से तो अंदर आए, 2 जो लोग अंदर आए और 2-3 बाहर रह गए। तो आके बोले एक बार मैं भी कुछ बोली, कुछ क्या काम है भैया, शायद मेरे सामने कुछ बात नहीं कर पा रहे हो, तो बोले बाहर आ जा। तो बाहर गए, घर के बाहर खड़े हो गए थोड़ी देर, तो फिर मैं पीछे पीछे चली गई, फिर वो वहाँ भी नहीं कर पाए, फिर वो साइड में गली है उसके अंदर चले गए वो वहाँ, फिर मैं वहीं खड़ी रह गई वहाँ हमारे दरवाजे में, तो थोड़ी दूर पे है गली, तो सुना नहीं। एक टैंकर पानी वाला था, उसकी आवाज़ आई, सुनी नहीं बात, तो इसलिए कुछ सुन नहीं पाई। अलवर जिले में कल देर रात पुलिस से बचकर भाग रहे एक गो तस्कर की उसी के वाहन के नीचे आ जाने से मौत हो गई। इन गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।
यह घटना रैणी क्षेत्र के गांव डेरा में सामने आई है। इन गो तस्करों की गाड़ी से पुलिस को 23 गो वंश मिले हैं, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी थी। दौसा की बसवा पुलिस को एक कैंटर से गो वंश की तस्करी कर ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर बसवा पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान गांव केशपुरा के पास एक कैंटर आकर रुका, तो नाकाबंदी देख कर गो तस्करों ने गाड़ी भगा ली। यह तस्कर नाकाबंदी तोड़कर रैणी की तरफ निकल गए। इस पर बसवा पुलिस ने रैणी पुलिस को सूचना दी और रैणी पुलिस ने अपने एरिया में नाकाबंदी कर दी। रैणी में नाकाबंदी और पीछे आ रही बसवा पुलिस को देखकर तस्करों ने अपनी गाड़ी गांव डेरा की ओर घुमा दी। वहीं एक गो तस्कर भागने लगा तो वह संतुलन खोने के कारण गाड़ी के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसका पुलिस ने जवाब दिया। इसी दौरान एक गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। बताया जाता है कि गांव डेरा से करीब 8 किलोमीटर पहले पुलिस की नाकेबंदी में बिछाई गई कीलो से गाड़ी के ड्राइवर साइड के आगे और पीछे के दोनों टायर पंचर हो गए थे। तस्कर ऐसे में गाड़ी भगाते रहे, लेकिन पंचर टायरों पर चलने के कारण रिम से टायर निकल गए। गाड़ी केवल रिम पर ही चलती रही और इसी दौरान बच निकलने के प्रयास में एक गो तस्कर उसके नीचे आ गया। वहीं पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर गो वंश को गाड़ी से उतरवाया। गाड़ी में 23 गायें और बैल थे, इनमें से 5 की मौत हो चुकी थी। गो वंश से भरी गाड़ी हरियाणा नंबर की है। वहीं पुलिस ने गो वंश को गौशाला भिजवा दिया है। वहीं मृतक गो तस्कर के शव के पोस्टमार्टम के लिए अलवर पहुंचाया गया और घटना स्थल पर एडिशनल SP श्याम सिंह, राजगढ़ DSP ताराचंद, बसवा SHO जहीर अब्बास, टहला SHO राजकुमार और रैणी थानेदार बनवारी लाल सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। नीलोज अंडरपास के पास में SHO बसवा जहीर अब्बास द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। इस क्षेत्र में बहुत तस्करी है, बहुत तस्करी की गाड़ियाँ लाते ले जाते हैं। तो रात को करीब 1 बजे एक आयसर 409 गाड़ी आई, जिसको रुकने का इशारा दिया तो वो गाड़ी रुकी नहीं, रुकी नहीं तो पुलिस ने उसको पटा डाल के रोकने की कोशिश की, फिर भी वो गाड़ी नहीं रुकी तो जहीर अब्बास द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया तो तस्करों द्वारा SHO बसवा की गाड़ी के ऊपर फायर किया गया। फायर किए जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। उस आई सी गाड़ी के दो टायर थे वो ब्रस्ट हो गए, गाड़ी चक्कों पर हो गई, फिर भी वो गाड़ी को उसने रोका नहीं। जहीर अब्बास द्वारा कंट्रोल रूम दोसा को सूचना दी कि इस तरीके से गाड़ी है वो आगे जा रही है। उसके पश्चात कंट्रोल ने SHO रैणी को बताया। SHO रैणी ने सामने जाकर के नाकाबंदी की डेरा मोड़ के पास में, तो जैसे ही SHO वो गाड़ी डेरा मोड़ के पास पहुंची, SHO रैणी को ने घेराबंदी चालू की, तो गो तस्कर था वो गाड़ी को लेकर के गांव डेरा के अंदर घुस गया और चक्कों पर चलाता हुआ गांव के अंदर राउंड लगाता हुआ आया। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ड्राइवर ने गाड़ी के शीशे पैरों से तोड़ दिए और एक आदमी जो कंडक्टर साइड में बैठा था वो गाड़ी के बाहर आकर के डूब गया। उसके बाद में डेरा गांव के अंदर जैसे ही गाड़ी एक छोटे से पेड़ के टकराई तो बाहर जो आदमी था वो गिर पड़ा, जो गाड़ी के नीचे आ गए और जो ड्राइवर था वो गाड़ी को फायर करते हुए वो गांव के अंदर से भाग गया, जिसमें जो कंडक्टर साइड का आदमी जो वो गाड़ी के फ्रंट साइड से रुमा हुआ था उस गाड़ी के नीचे आगे मिल गया। गाड़ी के अंदर तलाश ही नहीं तो 23 गाय गोवंश उसके अंदर मिला, जिनको पास के ही डगडगा के अंदर गौशाला के अंदर शिफ्ट कराया गया। मृतक को लाश की शिनाख्त की और पोस्टमार्टम हेतु अलवर मोर्चरी में भेजा गया और गाड़ी को जब्त करके थाने में लाया गया। इस प्रकरण की FIR जो है वो SHO बसवा जहीर अब्बास द्वारा दी गई, जिस पर अनुसंधान कर आगे कार्रवाई। गौरतलब है कि गो तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना वे पुलिस के साथ आमने सामने फायरिंग में भी नहीं चूकते। इतना ही नहीं, ये तस्कर बेधड़क पुलिस चेकपोस्ट नाकों को तोड़ते हुए निकल जाते हैं।
अलवर जिले में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं पर पुलिस ने जिले में गो तस्करी रोकने के लिए विशेष चौकियां भी बनाई, जहां केलों से बने फट्टों से गो तस्करों की गाड़ियों को पंचर किया जाता है, लेकिन गो तस्कर अभी भी काबू में नहीं आ पा रहे। पिछले दिनों भी गो तस्करों और पुलिस में हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक गो तस्कर की मौत हो गई थी। एक बार फिर शनिवार रात पुलिस और गो तस्करों के बीच आमने सामने फायरिंग हुई और इसमें भी एक गो तस्कर मारा गया। हालांकि मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई। उधर अलवर सामान्य चिकित्सालय में मौजूद पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद अनुसंधान किया जाएगा। रैणी का जो गौ तस्कर की मौत से जुड़ा हुआ मामला है, उसकी शुरुआत दौसा जिले के बसवा थाना क्षेत्र से हुई थी, जहां पे भी SHO के पास एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि 3 गाड़ियां जो गौ तस्करी की हैं वो गायों को लेकर के रात में इस क्षेत्र से निकल सकती हैं। उसी आधार पर उन लोगों ने नाकेबंदी की थी। एक गाड़ी उन लोगों की सूचना के मुताबिक उस क्षेत्र में आई और उनके नाके के सामने से निकली, जिसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया, वो रुकी नहीं और वहाँ से गाड़ी को भगा ले गए। पुलिस ने उनको रोकने के लिए कांटे वाले अपने जो पट्टे होते हैं उसको भी लगाए और उन लोगों ने पुलिस को पीछा करने से रोकने के लिए पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की। फाइनली पुलिस उनका पीछा करती रही, अलवर कंट्रोल रूम को भी सूचित किया, अलवर क्षेत्र की पुलिस ने भी मजबूत नाकेबंदी की और जो गो तस्करों की गाड़ी थी वो रेणी थाना क्षेत्र में घुस गई। वहाँ पर भी उन लोगों ने बसवा SHO उनकी गाड़ी और रेणी की जो गाड़ी थी पुलिस की उसके ऊपर फायरिंग करी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी है। इस पूरे भागने के क्रम में जो गो तस्कर था वो संभवतः अपनी गाड़ी से कूद करके, चलती हुई गाड़ी से कूद करके भागने का प्रयास किया, जिससे कि वो चलती हुई गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया इस तरह का घटनाक्रम हमारे सामने आया है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के दौरान की जाएगी। अलवर और भरतपुर अंतिम जिले हैं राजस्थान के, जिसके बाद हरियाणा में प्रवेश कर जाते हैं गो तस्कर, इसलिए ज़्यादा प्रकरण हमारे क्षेत्र में आते हैं। और इनकाउंटर और जहाँ तक इनकी मृत्यु का सवाल है, उसमें ये महज संजोग का विषय है कि इस क्षेत्र में कई अपराधियों की भी मृत्यु हुई है और इसमें कतई जो अलवर पुलिस है वो पूरी तरीके से सावधानी बरतती है और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी को भी, किसी के भी जान माल का नुकसान नहीं हो और उसको न्यायिक प्रक्रिया के समक्ष पेश किया जा सके। कोटा में राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान के काफिले को आज एयरपोर्ट के सामने बेरोजगारों ने रोक लिया। मुख्यमंत्री राजे की गाड़ी के सामने बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता अचानक आ गए और उनके काफिले को आगे नहीं जाने दिया। इस घटनाक्रम से पुलिस और प्रशासन में खलबली मच गई। इसके बाद CM ने कार से उतरकर बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया। वहीं कलेक्टर और IG समेत अन्य अधिकारी भी गाड़ियों से उतरकर उनके पास पहुंच गए। उधर अफरा तफरी में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा की कार काफिले में चल रही एक अन्य कार से भिड़ गई। सुरक्षा व्यवस्था में यह बड़ी चूक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री राजे और शिवराज सिंह का काफिला सुबह करीब 11:15 बजे किराड़ समाज के कार्यक्रम के लिए हवाई अड्डे से रवाना हुआ था। राजे की कार जैसे ही एयरपोर्ट के सामने पहुंची, यहां फूल मालाएं लेकर खड़े बेरोजगार युवकों ने पुलिस का घेरा तोड़ दिया और CM की कार के आगे खड़े हो गए। पुलिस ने युवकों को हटाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे। बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने CM की कार को चारों ओर से घेर लिया। इसके चलते मुख्यमंत्री को कार से नीचे उतरकर ज्ञापन लेना पड़ा। वहीं कोटा के खड़े गणेश स्थित धरणीधर गार्डन में आयोजित किराड़ क्षत्रिय महासभा के 11वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन में दोनों CM शामिल हुए। वसुंधरा राजे का कहना था कि भाजपा सरकार जब आई तब राजस्थान कर्जे में डूबा हुआ था। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार 15 फरवरी तक 62,000 करोड़ का ऋण वितरित कर चुकी है और फसली ऋण पर ब्याज भी कम किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के किसानों को लगान मुक्त किया गया है। अधिवेशन में मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने भी विचार रखे। बॉलीवुड में कई दशकों तक अपने अभिनय का सिक्का जमाने वाली मशहूर एक्ट्रेस
श्री देवी अब नहीं रही। शनिवार रात दिल के दौरे से उनकी मौत हो गई। श्री देवी यहां एक्टर मोहित मारवाह की शादी के लिए पहुंची थी। उनके पति बोनी कपूर और बेटी खुशी भी उनके साथ दुबई में थे। 54 वर्षीय श्री देवी को दिल के दौरे के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। कल रात करीब 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। श्री देवी का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं और अभिनेताओं ने दिग्गज अभिनेत्री श्री देवी के निधन पर शोक जताया। वहीं मुंबई में तमाम सितारे और परिजन श्री देवी के अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हुए। यूएई में भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने कहा कि फिलहाल पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने में लगी है। दूतावास उनके परिवार और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और सभी जरूरी मदद की जा रही है। श्रीदेवी बॉलीवुड में आने से पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों का जाना माना नाम थी। उन्होंने वर्ष 1969 में बाल कलाकार के रूप में तमिल फिल्म थुनाई वन से अपने करियर की शुरुआत की। श्रीदेवी ने मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उधर प्रसिद्ध निदेशक राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में कहा कि मुझे श्रीदेवी से नफरत है क्योंकि वह मुझे महसूस करा गई कि वह भी आखिर में केवल एक इंसान थी। मुझे नफरत है उनके दिल से जो जिंदगी से हार गया। वहीं कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से श्रीदेवी के निधन पर ऐसा ट्वीट किया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर हमें दुख है। उन्हें वर्ष 2013 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पद्मश्री दिया गया था। कांग्रेस के इस ट्वीट की आखिरी लाइन विवादों में आ गई। सैकड़ों की संख्या में लोग ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी से अभिनेत्री की मौत पर राजनीति नहीं करने के लिए कह रहे हैं। बीजेपी ने भी कांग्रेस के ट्वीट की कड़ी निंदा की है। वहीं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने ट्वीट कर लिखा है कि कृपया मौत का राजनीतिकरण न करें। प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी का राजस्थान से खासा जुड़ाव रहा है। श्रीदेवी ने राजस्थान में कई फिल्मों की शूटिंग की। अपनी फिल्मों की शूटिंग और प्रमोशन के लिए वे कई बार जयपुर, उदयपुर और राजसमंद सहित अन्य स्थानों पर पहुंची थी। श्रीदेवी आखिरी बार करीब 3 साल पहले अजमेर में महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए आई थी। उन दिनों श्रीदेवी की मां बीमार थी और लंदन में उनका उपचार चल रहा था। उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए ही श्रीदेवी ने गरीब नवाज की दरगाह में मत्था टेका था। वहीं श्रीदेवी की हिट फिल्म लम्हे की शूटिंग राजस्थान में कई जगह पर हुई। 1991 में यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे को बेहद याद किया जाता है। इस फिल्म के कई सीन जयपुर में फिल्माए गए। फिल्म की शूटिंग जयपुर में कनक वृंदावन और रामबाग पैलेस के अलावा जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में भी की गई। इस फिल्म ने श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन पर शोक जताया है। सीएम राजे ने कहा कि श्रीदेवी ने अपने जीवंत और भावपूर्ण अभिनय से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। उनके निधन से हमने एक सशक्त महिला कलाकार को खो दिया है। कुल मिलाकर सदमा, लम्हे, चांदनी और मिस्टर इंडिया सहित कई सुपरहिट फिल्में देने वाली श्रीदेवी भले ही पार्थिव रूप से नहीं हो लेकिन रुपहले पर्दे पर दिखाए गए उनके जादू की चमक सदियों तक छाई रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में हिंदी विषय को लेकर अभ्यर्थियों के सामने अक्सर परेशानी आती है। इसके समाधान के लिए शिक्षाविद डॉक्टर फरमान अली द्वारा लिखित हिंदी व्याकरण पुस्तिका का रविवार को विमोचन किया गया। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आंसर की भी शामिल है। विमोचन का कार्यक्रम राजस्थान इंस्टीट्यूट कैंपस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सफल अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा को लेकर अपने अनुभव साझा किए। इस पुस्तक में हिंदी व्याकरण से जुड़े 41 बिंदुओं को शामिल किया गया है। वहीं पुस्तक में हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालय की परीक्षा से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि अभी तक हमारे देश में एक परंपरा चली आ रही थी कि कोई बड़ा आदमी विमोचन करता है, कोई राजनीतिक करता है या कोई बड़ा शिक्षाविद आकर करता है। लेकिन मुझे लगा कि जहां मैं पहुंचा हूं वो अपने स्टूडेंट के कारण पहुंचा हूं, इसलिए हम लोगों ने ये भारत में पहली परंपरा डाली है कि भाई हमारे एक गुरु की किताब का उसके शिष्य विमोचन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और वो आगे आने वाले समय में और मेहनत करेंगे जिससे कि
हम लोग और आगे बढ़े और यही इस खास बात मुझे लगी। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मेरे जो सक्सेस स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरी किताब का विमोचन किया और उन्हीं की वजह से मैं हूँ दरअसल जो इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। वो मेरी लाइफ में करे हैं वो बच्चे जिनकी वजह से मैं यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे उनसे बड़ा रिजल्ट कोई नहीं लगा और इसलिए हमारे स्टूडेंट ने आकर मेरी किताब का विमोचन। कोई भी किताब आकर लिख दे रहा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं बाजार में कोई साइंस का टीचर आकर हिंदी व्याकरण लिख दे रहा है, साइंस की लिखता है तो ठीक है वो लिख दे रहा है, लेकिन अब उसका क्या है ऑथेंटिक का कोई पता नहीं है कि किताब मानक है या नहीं है। लेकिन हमने क्या है कि जो बड़े बड़े व्याकरणाचार्य हैं जैसे अजय प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने हिंदी व्याकरण का ऐतिहासिक व्याकरण लिखा है, उसके बाद में कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की किताब लिखी है, उसके बाद में डॉक्टर वचन देव कुमार, तो बड़े बड़े जो व्याकरणाचार्य हैं उनकी अपनी बात को कहकर उनका फुटनोट दिया गया है और उसका चैप्टर के अंत में उल्लेख भी किया गया है। जो स्टूडेंट और आरपीसी आमने सामने खड़े रहते थे तो मुझे लगता है कि शायद वो अब एक साथ खड़े मिलेंगे इस पुस्तक को पढ़। अलवर में ओसवाल स्कूल के कल रात हुए वार्षिक उत्सव में लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी। संस्था के परिसर में ओसवाल सीनियर, ओसवाल पब्लिक और ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत और विशिष्ट अतिथि कोतवाली थानाधिकारी राजवीर सिंह शेखावत मौजूद रहे। बच्चों ने महारस, पहाड़ी और गुजराती नृत्य, कव्वाली और कई अन्य प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर उपस्थित अतिथियों, अभिभावक और गणमान्य लोगों का दिल जीत लिया। वहीं प्राचार्य विनोद शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में शिक्षण समिति अध्यक्ष अशोक पालावत और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। दुकानदार दंपति पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, बकाया रकम को लेकर किया हमला। पुलिस और गो तस्करों में हुई फायरिंग, गाड़ी के नीचे आकर एक शातिर ने गंवाई जान। बेरोजगारों ने वसुंधरा का रोका काफिला, पुलिस प्रशासन में मची खलबली। और श्रीदेवी के निधन में शोक में डूबा बॉलीवुड, दुबई में पड़ा दिल का दौरा, दिग्गजों ने जताई संवेदना। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।